मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। ऐसा ही एक तीसरा छोटा सा निवेदन। हमारे घरों में साबुन आता है लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, कहने, पामोलिव, जॉनसन एंड जॉनसन वगैरह वगैरह। ये सब साबुन क्यों खरीदते हैं? एक बार मैंने एक भाई से पूछा कि लक्स से क्यों नहाते हो, कह लगा माधुरी दीक्षित कहती। एक दूसरे से पूछा कि तुम क्यों लगाते हो, कि हेमा मालिनी कहती। तो कभी माधुरी दीक्षित और हेमा मालिनी कुएं में गिरेंगे तो हम भी गिरेंगे। ये बेवकूफी मत करिए। और मैं शायद आपको मालूम नहीं है कि माधुरी दीक्षित या हेमा मालिनी या कोई भी फिल्मी हीरोइन लक्स से नहीं नहाती, साबुन से नहीं नहाती। तो आप पूछेंगे मुझको कैसे मालूम? मुझको पता चला अभी कुछ दिन पहले। बंबई में मेरा एक व्याख्यान हुआ था जुहू में, और जुहू वो जगह है जहां हिंदुस्तान के ये फिल्मी हीरो हीरोइन ज्यादा रहते हैं। व्याख्यान कैसे हुआ? एक कोई फिल्मी हीरो है, उनका नाम है धर्मेंद्र। उन्होंने मेरे व्याख्यान के कैसेट सुने, मेरे व्याख्यान के कुछ 10 कैसेट निकले हैं, तो उन्होंने सुने और उन्होंने तुरंत फोन किया कि मैं राजीव दीक्षित से बात करना चाहता हूं। मैंने कहा मैं बोल रहा हूं। तो कहने लगे आपके 10 कैसेट सुनने के लिए मैंने 10 घंटे गाड़ी चलाई और घर नहीं गया जब तक कैसेट खत्म नहीं हुए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्या लगा आपको? मैं आपका एक व्याख्यान करना चाहता हूं। मैंने कहा जरूर करिए, मैं आऊंगा। क्या आपकी फीस क्या है? मैंने कहा मैं फीस नहीं लेता कभी व्याख्यान के लिए। कहने लगा अच्छा फिर तो मुझे खुशी है, आप आइए। मैंने कहा जरूर आऊंगा, एक ही शर्त है कि जितने फिल्मी हीरो हीरोइन है उनको सबको बुलाइए ज्यादा से ज्यादा। तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूं। तो क्या हुआ, उनका एक बंगला है लोनावाला में, पुणे और बंबई के बीच में, वहां उन्होंने व्याख्यान रखा। मैं गया, ज्यादा लोग तो नहीं आए, कुछ 25-30 लोग आए थे। उनके बीच में मीटिंग हुई, बातचीत हुई, बहुत सारे सवाल पूछे। जब खत्म हो गए उनके सवाल तो मैंने उनसे कहा कि अब मैं एक सवाल पूछूंगा। तो हेमा मालिनी से मैंने पूछा कि आप मुझे बताओ कि लक्स से नहाती हो? नहीं। लाइफ बॉय से नहाती हो? नहीं। कैमे से नहाती हो? नहीं। लिरिल से नहाती हो? नहीं। मैंने कहा आप नहाती भी हो? तो कहने लगी नहाती तो रोज हूं। मैंने कहा फिर किससे? तो उन्होंने बताया चने के आटे में मलाई डाल के नहाती हूं, माने बेसन में मलाई डाल के नहाती हूं। तो मैंने कहा अगर आप बेसन में मलाई डाल के नहाती हैं तो ये बात पूरे देश को क्यों नहीं बताती? कहने लगी डर लगता। मैंने कहा क्या डर लगता? कि अगर हिंदुस्तान की सभी बहनों ने बेसन में मलाई डालकर नहाना शुरू किया तो सब हेमा मालिनी हो जाएंगे। तुम मेरी तो कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। तो आप ये जान लीजिए कोई भी फिल्मी हीरोइन साबुन से नहीं नहाती। क्यों? उसका कारण है, जितने साबुन हैं वो बनते हैं कास्टिक सोडा से, और कास्टिक सोडा शरीर की त्वचा के लिए बहुत खराब होता है। और आप ये चाहें तो प्रयोग करिए, साबुन से नहाइए। नहाने के 20 मिनट के बाद जब आपका शरीर सूख जाए तो नाखून से ऐसे लाइन खींचे, सफेद रंग की लाइन खींचेगी। और आजकल ठंडी का दिन है, साबुन से नहाइए, 10 मिनट बाद आपका पूरा चेहरा सफेद सफेद हो जाए। क्यों? उसमें जो कास्टिक सोडा है वो आपकी शरीर की त्वचा से चिपक जाता है, चाहे जितना पानी डालिए धुलता नहीं। इसलिए साबुन सबसे रद्दी चीज है।